बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शाह इस्लाम और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक्सपीरियंस लेटर या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो होगा वो कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे, यहाँ इंसर्ट मेन्यू में जाएँ। इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद शेप्स रेक्टेंगल आ रहा है, इस पर क्लिक और यहाँ से ड्रॉप। ड्रॉप करने के बाद फॉर्मेट मेन्यू में यहाँ दिया हुआ है एडिट पॉइंट्स। एडिट पॉइंट से इसको थोड़ा सा उठा के आगे की तरफ मूव कर दें, इस तरह से बाहर क्लिक। दोबारा इसी पे क्लिक करेंगे और फिर रीसाइज़ वगैरह करना है थोड़ा सा इसको, इस तरह से राइट क्लिक करेंगे। ऐड टैक्स कुछ भी लिखना है इसके लिए, ऐड टैक्स का ऑप्शन आ रहा है। कर्सर आपका एडिट पोजिशन में आ जाएगा। हेडिंग आ गई और उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, होम में जाएंगे, यहाँ से इंक्रीज बोल्ड कलर शेप। फॉर्मेट मेन्यू आ रहा है, इसमें से जाके इसका कलर शेप आउटलाइन कलर, बाकी इसी की एक कॉपी ले लेते हैं और कंट्रोल क्लिक के साथ, और इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ क्लिक। और क्लिक करने के बाद यहाँ से इसका रैप टैक्स ऑप्शन आ रहा है सेंड टू बैक, और ये जो पोजीशन आ रही है इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट शेप। फॉर्मेट शेप में फिल ऑप्शन, फिल के अंदर जाएंगे, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी जो होगी वो कम कर देंगे, इस तरह का एक लाइट जो होगा वो डिज़ाइन बन जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो और मज़ीद आगे हम क्या करेंगे, हेडिंग आ जाएगी। इंस्टीट्यूट के हवाले से या टीचिंग वगैरह के हवाले से मैं बना रहा हूँ, इसी तरह अगर एम्प्लॉय जॉब्स वगैरह का होगा तो वहाँ मैटर फिर थोड़ा सा चेंज करेंगे। और प्रोफेशनल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद फॉर्मेट प्रिंटर सिलेक्ट कर लेते हैं इसको भी और एंटर करेंगे। इसको अंडरलाइन करना है तो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से अंडरलाइन ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट आ जाएगा सेंटर ऑफ प्रोफेशनल, राइट क्लिक, स्पेलिंग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, या फिर कंट्रोल जेड टैब से इसको थोड़ा सा आगे मूव करेंगे और यहाँ से इसको कम, या फिर इसको कंट्रोल एक्स कट। कट के बाद शेप्स में जाएंगे, यहाँ से शेप्स ले लें। शेप्स ड्रॉ करने के बाद राइट क्लिक, एड टेक्स्ट, कंट्रोल वी, इसलिए होता है कि टेक्स्ट अपने हिसाब से आप जिस जगह पे पोजीशन पे रखना चाह रहे हैं उस हिसाब से सेट करें। जब इसको टाइप कर लेंगे तो शेप फिल नो, शेप आउटलाइन नो और राइटिंग कलर यहाँ से ब्लैक, तो ये इस तरह हो जाएगा हमारा काम। स्पेस थोड़ी ज़्यादा रखनी है तो इस तरह से भी रख सकते हैं। स्पेस नॉर्मल देकर यहाँ आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट अब इंटर और यहाँ आ जाएगी डेट, डेट इस तरह भी रख सकते हैं या क्लियर और फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ क्योंकि कर्सर जो लास्ट फॉर्मेटिंग करी थी उसी पोजीशन में आ रहा है। कर्सर फॉर्मेटिंग में क्लियर और फॉर्मेटिंग, कर्सर नॉर्मल हो गया। यहाँ पर डेट, डेट के लिए इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, यहाँ दिया हुआ होगा आपको
इंसर्ट डेट एंड टाइम, कर्सर जिस जगह पे होगा आप जिस जगह से डेट एंड टाइम वगैरह जो भी आपको इंसर्ट कराना है यहाँ से आप क्लिक करेंगे और ओके। नॉर्मल रखना है तो क्लियर फॉर्मेट यहाँ से करें और सिंपल अपने हिसाब से इंक्रीज़ कर दें, बोल्ड करना है बोल्ड, राइट क्लिक। ये मैंने शायद पहले भी बताया था कि जो रेड लाइन होती है वो स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रीन लाइन ग्रामर मिस्टेक और इस तरह की इसमें जो लाइंस होती हैं वो अक्सर ग्रामर में हेल्प कर रही होती हैं। अब मैटर आ जाएगा, टू होम इट माय कंसर्न्स, सिलेक्ट और यहाँ कैपिटल में रखना है इसको, स्मॉल में टाइप कराए तो अपर केस क्लिक और सेंटर, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया, स्पेस वगैरह आप अपने हिसाब से रख लें। यहाँ से एंटर करा, कर्सर नॉर्मल पोजीशन में लाना है क्योंकि जो लास्ट फॉर्मेटिंग करके एंटर करते हैं उसी फॉर्मेटिंग में कर्सर आ रहा होता है, तो यहाँ से क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अब मैटर में यहाँ मैं जूम करके लिख रहा हूँ ताकि क्लियर नज़र आ जाए आपको, दो तीन लाइन का मैटर है, ज़्यादा नहीं है। टू दिस इज टू सर्टिफाइड डेट, नाम आ जाएगा और उसके बाद सन ऑफ, अब्दुल सलाम हैविंग CNIC CNIC नंबर के बाद कॉमा हैव वर्क इन दिस इंस्टीट्यूट इन द कैपेसिटी ऑफ ग्राफिक्स ग्राफिक टीचर ड्यूरिंग द पीरियड मई 2011 टू 2019 एंटर VR satisfy with his performance and ability. enter करेंगे जो head होगा उसका नाम, और यहाँ आ जाएगा पोस्ट, और इस तरह से सिग्नेचर के लिए कोई लाइन अगर देनी है तो इंसर्ट में जाएंगे शेप्स, फॉर्मेट मेन्यू आ गया, शेप आउटलाइन ब्लैक, ब्लैक के बाद यहाँ से थोड़ी सी विच जो होगी वो बढ़ा देंगे। अब जूम को मैं कम कर रहा हूँ थोड़ा यहाँ से, और इसके साथ जो ऊपर हमने
डिज़ाइन दिया था शेप्स की मदद से, इसको सिलेक्ट कर रहे हैं कंट्रोल के साथ क्लिक दोनों, और राइट क्लिक करेंगे तो ग्रुप ऑप्शन आएगा, ग्रुप कर देते हैं, और इसी की कंट्रोल क्लिक से एक कॉपी ले रहा हूँ मैं। फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, यहाँ रोटेट ऑप्शन दिया हुआ है, रोटेट ऑप्शन के साथ इसकी पोजीशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे, रोटेट में जाएंगे तो फ़िलिप रोटेट 90 करेंगे पहले, और फिर उसके बाद फ़िलिप में जाएंगे और फ़िलिप हॉरिजेंटल, इस तरह से यहाँ ये आ जाएगा, और इसको भी डाउन सेट जहाँ तक ये वर्किंग होगी पेज के, जहाँ तक आप इसको सेट करना चाह रहे हैं वो, और नेक्स्ट नेक्स्ट लेफ्ट साइड भी एक स्टाइल दे देते हैं, रेक्टेंगल्स या टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने के बाद जूम को कम कर रहा हूँ मैं यहाँ, और इसको मैं डाउन साइड लेकर आ रहा हूँ, और इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ से कलर, और शेप आउटलाइन कलर जो होगा वो नन, और इसी की कॉपी ले लेते हैं कंट्रोल लेफ्ट क्लिक। कॉपी लेने के बाद इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे, यहाँ से आ जाएंगे शेप फिल नो, और शेप आउटलाइन जो होगी वो थोड़ी सी बढ़ा देंगे यहाँ से, ये बाकी मर्ज़ी है, डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज करके रखना है तो वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसमें आ जाएं, और इसके अलावा फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ से शेप आउटलाइन, कलर, बाकी शेप फैक्ट्स, गिलो, ये अपन यहाँ से सॉफ्ट टच कर देते हैं। मर्जी है जैसे भी आपको डिज़ाइन देना होगा उस तरह से फिर आप बना सकते हैं। लास्ट में आ जाएंगे यहाँ पर एड्रेस वगैरह के लिए, इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद इंसर्ट में हमारे पास ऑप्शन होता है क्विक पार्ट्स, और इसमें दिया हुआ है ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइज़र, बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइज़र के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पर टी प्रेस करेंगे या फिर स्क्रोल आ रहा है यहाँ से, स्क्रोल को डाउन साइड पर ले गए हैं तो देखिएगा यहाँ टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन होगा, और यहाँ से ये वाला जो स्टाइल है स्लाइस क्वार्ट का ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, और इंसर्ट, इंसर्ट करने के बाद एक डिज़ाइन आ जाएगा इससे आपका, नीचे इसको शिफ्ट करेंगे, और शिफ्ट करने के बाद क्लिक डिलीट, डिलीट के बाद यहाँ एड्रेस, कैंपस वगैरह की डिटेल या जो भी होगा वो आप सेंटर करीमाबाद कराची, फिर एंटर करा सेकंड कैंपस, फिर एंटर, सेक्टर यूपी मोड नॉर्थ कराची, बाकी फोन एड्रेस वगैरह जो भी आपको देना है वो आप टाइप कर लें, इस
स्पेलिंग लास्ट में ज़रूर चेक करें, मैंने बताया आपको जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं उसमें ग्रीन लाइन आ रही होती है, उस हिसाब से आप स्पेलिंग को फाउंड कर सकते हैं। कलर जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अपने हिसाब से जो कलर आपको रखना है वो, और बोल्ड करना है ब्लैक कलर यहाँ से, ये मैंने अपने हिसाब से रखा है, बाकी जो आपको चाहिए वो आप उस हिसाब से सेट करेंगे। थोड़ी सी स्पेलिंग करेक्शन इग्नोर भी कर सकते हैं, राइट क्लिक इंस्टीट्यूट्स। इसकी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट बॉक्स अगर अच्छा लग रहा है टेक्स्ट बॉक्स बनाए तो नॉर्मल जो कि डिज़ाइन शीट्स वगैरह से आपको बनाना है तो उस तरह से वो भी बना सकते हैं। इधर आ जाएगा लोगो, इमेजेस जो है वो इंसर्ट करनी है, इसमें जाएंगे शेप, शेप से मैं ओवल सेलेक्ट कर रहा हूँ, ओवल से लोगो कह लें, लोगो लगाना है हमें। अब लोगो को ऐसा भी मैंने एक डाउनलोड करके रखा है, वह शेप फिल जो शेप ड्रॉ करेंगे उसके पिक्चर ऑप्शन से जाएंगे यहाँ से, और डेस्कटॉप पे मेरे पास यहाँ है, इसको मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ डाउन तो ये आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे आउटलाइन नन, और वाटर मार्क लगाना है, वो भी मैंने बताया, डिज़ाइन में जाएंगे वाटर मार्क, कस्टम पिक्चर सिलेक्ट पिक्चर वर्क ऑफलाइन, और यहाँ से एक वाटर मार्क के लिए मैंने ये पिक्चर डाउनलोड करी, अप्लाई करके देखते हैं इस तरह से देखें। तो इसमें सब कंप्लीट, और कोई चीज़ अगर क्लियर नहीं हुई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फर्स्ट जिस वीडियो को देख रहे हैं शाह इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी इन्फॉर्मेशन आने वाली है उनकी तुरंत नोटिफिकेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, जो बाकी सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं प्रैक्टिस करके देखें, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसी को अगर कंप्लीट हम देखें, यहाँ फाइल में जाएंगे प्रिंट, प्रिंट के अंदर चेक करेंगे, देखें पूरा कवर हो रहा है प्रिंट के अंदर, इस तरह से प्रिंट होकर आ जाएगा हमारा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर बनता है। ये सेटिंग वगैरह मैंने बताई है अपने शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पर पहले भी, वहाँ से जाकर आप वर्ड में प्रिंट वगैरह किस तरह कर सकते हैं, इसके लिए प्रिंट वन साइड और यहाँ दिया हुआ पेज क्वांटिटी जितनी चाहिए, यहाँ से प्रिंटर का नाम जिस प्रिंटर से आपको प्रिंट करना है, और उसके बाद जब ये साइनर फाइनल हो जाएंगे, मार्जिन वगैरह हमने सेट किया हुआ है, लेटर और ए फोर इन दो पर हमारा काम होता है सबसे ज़्यादा। अगर इसको चेंज करना है तो स्टार्ट में जब आप बनाना शुरू करेंगे उसमें लेटर या ए फोर रख सकते हैं। बाकी ये डिज़ाइनिंग वगैरह उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, शेप्स वगैरह की मदद से जो मैंने इसके अंदर डिज़ाइनिंग आपको बताई है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।